हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं अंबाला बस अड्डे से बुधवार को हरियाणा रोडवेज की 4 बसें चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई, जिससे चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिली है। दरअसल कोरोना के चलते चंडीगढ़ और दूसरे राज्यों के लिए हरियाणा रोडवेज की बस सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन आज से सेवा चंडीगढ़ के लिए शुरू कर दी गई है। वहीं यात्रियों का कहना है कि उन्हें चंडीगढ़ जाने में परेशानी होती थी, टाइम और पैसे की बहुत बर्बादी होती थी। वो चाहते हैं कि सरकार दूसरे राज्यों के लिए भी जल्द ही बस सेवाएं शुरू कर दे। आपको बता दें कि सरकार के आदेशों के बाद हरियाणा रोडवेज की बसें चंडीगढ़ तक के लिए चला दी गई हैं, लेकिन बस में बिठाने वाली सवारियों की संख्या में बदलाव किए गए हैं, जहां चंडीगढ़ में बस के अंदर 30 सवारियां ले जाने की अनुमति है। चंडीगढ़ जाने में पहले समस्या थी, आप चंडीगढ़ यहाँ से अंबाले से जाते हैं तो फिर पहले दिक्कत पड़ती थी जाने में, तो जी आज से चंडीगढ़ जाने के लिए सुविधा हो गई है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। आज सर चंडीगढ़ के लिए यहाँ से बस मिल गई है, पहले बहुत दिक्कत आती जाने में, अभी हमें आज से जो सर्विस है चालू हो गई है चंडीगढ़ जाने के लिए, अभी ठीक है थोड़ा। आज चंडीगढ़ के लिए गाड़ियाँ शुरू की हैं, हमने 4 गाड़ियाँ दे दी हैं जो शाम तक चलेंगी यहाँ पर, जैसे जैसे सवारी चंडीगढ़ की आती रहेगी हम गाड़ियाँ और चला देंगे यहाँ पर। उत्तराखंड की गाड़ियाँ तो आ चुकी हमारे यहाँ पे, अभी अभी हम उत्तराखंड की जैसे जैसे हमारे प्रदेश मिलेंगे ना, हम जो जो रूट बंद पड़े हमारे उत्तराखंड के वो भी चला।